हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु, और स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप अदरक का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिंजर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, कौन से देशों में कर सकते हैं, और जिंजर किस काम आता है, कौन कौन से लाइसेंस और कौन कौन सी क्वालिटी जिंजर की एक्सपोर्ट की जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है जिंजर का यूज़ क्या है। बेसिकली अगर आप मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट देखेंगे तो आज की डेट में जितने भी फूड प्रिपेयर हो रहा है तो उसके अंदर जिंजर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं बेवरेजेस की तो बेवरेजेस में भी जिंजर का यूज आज की डेट में होने लग गया है। अगर मैं बात करूं कन्फेक्शनरी की तो कन्फेक्शनरी में भी किया जाता है, और साथ के साथ अगर मैं बात करूं मेडिसिन में तो मेडिसिन में भी जिंजर का यूज किया जाता है। चाय तो आप पी ही रहे होंगे, तो चाय में भी, चाहे आप ग्रीन टी हो, ग्रीन टी में भी अगर आप देखेंगे, जो टी बैग्स वाली टी आती है, नॉर्मल टी आती है, उसमें भी आप देखेंगे जिंजर फ्लेवर का यूज ज्यादा किया जा रहा है, यानी जिंजर का यूज ज्यादा किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं वाइन की तो वाइन में भी जिंजर का यूज किया जा रहा है, जिंजर का पेस्ट भी यूज होता है, जिंजर ऑयल भी यूज होता है, और बेकरी प्रोडक्ट्स में भी जिंजर का यूज किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जिंजर का कितना सारा यूज है, तो ऐसे ही जितना यूज होगा वर्ल्ड वाइड उतनी डिमांड भी ऐसे प्रोडक्ट की होगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी क्वालिटी की। सबसे मेजर चीज है क्वालिटी। देखिए दोस्तों, अगर जिंजर में काम कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सामने स्क्रीन पे अलग अलग क्वालिटी के नेम आ रहे होंगे, ये वो क्वालिटी है जिंजर की जो एक्सपोर्ट की जाती है। तो सबसे पहले इन क्वालिटीज के बारे में जानिए। अगर आपको जिंजर से परचेज करनी है, जाइए सप्लायर के पास उन स्टेट्स में जहां जिंजर प्रोड्यूस होती है, और यहां से उसकी क्वालिटी चेक करिए, और उसके बाद आप एक्सपोर्ट करिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि सर, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर, कौन कौन से जो स्टेट्स हैं इंडिया के जो जिंजर प्रोड्यूस करते हैं, कहां से मुझे जिंजर जो है, अदरक जो है, सस्ते रेट पे अवेलेबल होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां से आपको जिंजर बहुत सस्ता मिलेगा। नंबर वन स्टेट है जिंजर प्रोडक्शन में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिंजर का महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद आसाम आता है, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है गुजरात, फिर आता है कर्नाटका, उसके बाद आता है मेघालय, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है नागालैंड, उसके बाद आता है सिक्किम, और उसके बाद आता है ओडिशा। अब इसके बाद जिंजर के लिए दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, जिंजर को एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करना है, उसकी पैकेजिंग का ध्यान रखना है। पैकेजिंग के लिए आपके पास है गनी बैग्स, जिसमें प्लास्टिक लैमिनेटेड फिल्म भी होती है, जिससे उसको मॉइस्चर नहीं पकड़ता, जिससे वो ख़राब नहीं होती। कॉरोगेटेड बॉक्सेस में भी एक्सपोर्ट की जाती है, पीवीसी बॉक्सेस में भी एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आप कॉरोगेटेड बॉक्सेस का सिलेक्शन करते हैं तो आपको ये देखना है कि कॉरोगेटेड बॉक्सेस 5 लेयर का है, 7 लेयर का है, 12 लेयर का है। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो मैं कहता हूँ कि आप जिससे भी कॉरोगेटेड बॉक्सेस लेते हैं उससे जानकारी ज़रूर ले लीजिए। कारण क्या है, इस लेयर का क्या है, देखो जितनी बड़ी लेयर होगी ना, उतने बॉक्स में कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी उतना वो इजीली हैंडल हो जाएगा। सपोज करो वो बॉक्स टूटेगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, यानी थिकनेस ज्यादा होगी तो बॉक्स भी बहुत मजबूत होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि अगर मुझे जिंजर को एक्सपोर्ट करना है तो कौन से वो देश है जहां पे मैं एक्सपोर्ट करूं। दोस्तों, अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, और सर्टिफिकेशन भी लगेंगे अच्छे खासे, और इन सब चीज़ों के लिए तैयार है, तो यूएसए यानी अमेरिका को एक्सपोर्ट करिए। इसके बाद है जापान, जापान में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नीदरलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जर्मनी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूके को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मलेशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूएई को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जिंजर का एचएस कोड होता है 091011, तो ये ध्यान में रखिए। और एक चीज़ ध्यान में रखें, ज़्यादातर ठंडे इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देशों में ये एक्सपोर्ट की जाती है, क्योंकि जिंजर यानी सौंठ बहुत ही गर्म होती है। अब बात करते हैं आपके साथ, यानी हमारे हिंदुस्तान के साथ, और भी तो बहुत देश होंगे जो कंपटीशन में होंगे, कौन कौन से देशों में जिंजर प्रोड्यूस की। वो देश है चाइना, नेपाल,
नाइजीरिया और थाईलैंड, तो ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। चाइना ऑलरेडी कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा है तो ध्यान में रखिएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम है। जिंजर हो, सूखी हुई हो, या जिंजर पाउडर हो, जिंजर पाउडर हो तो ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, इसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्या होता है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया नॉर्मल सूखी जिंजर करें या जिंजर पाउडर करें। जिंजर पाउडर में ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें IEC चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस तो हमें चाहिए होगा, लेकिन IEC से पहले हमें GST भी चाहिए, पैन कार्ड भी चाहिए। फर्म बनेगी तभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनेगा। उसके साथ साथ हमें फसाई सेंट्रल भी चाहिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर ऑर्गेनिक जिंजर की डिमांड है तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी चाहिए, और अगर एक्सपोर्ट करना है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी ज़रूर चाहिए। हमें AD कोड भी चाहिए, आप पीड़ा की मेंबरशिप यानी RCMC भी चाहिए। साथ के साथ जब हमें शिपिंग करनी है तो हमें कमर्शियल इनवॉइस भी चाहिए, पैकिंग लिस्ट भी चाहिए, एयरवे बिल भी चाहिए अगर बाय एयर भेज रहा हूँ, अदरवाइज हमें बिल ऑफ लेडिंग भी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन COO भी चाहिए, और अगर हमें खास तौर से USA भेजना है तो FDA सर्टिफिकेट की भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ इंसेंटिव की तो RODTEP आपको मिल जाएगा, साथ के साथ इसमें TMA भी मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। DBK भी इसमें इंक्लूड है, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। साथ के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे सर्टिफिकेशन चाहिए। फूड इंडस्ट्री है, क्वालिटी चेक तो होगा ही होगा। अगर आप किसी अच्छे देश को टारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा ही मांगेगा, तो ये भी साथ में चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो देश जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये थे अदरक के बारे में जानकारी, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो याद करिए एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉल करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, मैं खुद आपको ट्रेन करूँगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा, हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट भी रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.